वही है, हर जो टीचर की जो ड्रीम्स होती हैं, जिसलिए कोई टीचर बनता है, वही है कि खुशी सबसे ज्यादा मिलती है जब वो बच्चा जो स्टूडेंट है जिसको आपने। जय हिंद, आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके, हमारे या दुनिया के कोई भी इंसान हो, उस सबके जीवन में सफलता का सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ होता है तो वो उसके शिक्षक का होता है। हम सभी के जीवन की जो सबसे पहली शिक्षक होती है वो हमारी माँ होती है। वो हमें ही सबसे पहले अक्षर ज्ञान वगैरह सिखाती है। सबके सफलताओं में शिक्षक का, अलग अलग शिक्षकों का हाथ होता है। वो नर्सरी से लेकर हमें पूरे हायर एजुकेशन तक पढ़ाते हैं। आज के दिन हम अपने सभी शिक्षकों को हाथ जोड़कर नमन करते हैं जिन्होंने हमको इतना पढ़ाया लिखाया, जो आज हमको काबिल बनाया। उन सभी शिक्षकों को हमको कहते हैं। बहुत सारे शिक्षक हमारे बीच हैं और हमारे बहुत सारे शिक्षक अब इस दुनिया में नहीं है। भगवान उन्हें स्वर्ग से भी ऊपर वैकुंठ धाम में स्थान दे, जिन्होंने बहुत ही लगन से मेहनत से पढ़ाया था। वो दौर जब हम लोगों का था तो एक शिक्षक के प्रति बड़ा एक डर रहता था, जैसे स्कूल या कॉलेज के ग्राउंड में टीचर्स को देख लेते थे, डर जाते थे लोग। बट आज के वक्त में हम देख रहे हैं धीरे धीरे इस चीज का नैतिक पतन होते जा रहा है। भारत में शिक्षकों की या शिक्षा की बहुत पुरानी परंपरा, ये हमें विश्व गुरु कहा जाता है। अब आप कहेंगे सर ये विश्व गुरु का मतलब क्या होता है, ऐसे भारत को विश्व गुरु क्यों कहा जाता है, तो आप एक एग्जाम्पल से समझिए। हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति उस समय के 94 में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे। 1994 में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत से आधिकारिक दौरा पर ओमान गए। ओमान की राजधानी मस्कत पर जब हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का हवाई जहाज लैंड किया तो ओमान के जो किंग थे, वहां के राजा, वो कभी किसी को रिसीव करने एयरपोर्ट पर नहीं जाते। ये प्रोटोकॉल मतलब नियम कानून होता है। किसी देश के राष्ट्रपति वगैरह नहीं जाते जब तक कोई बहुत खास मेहमान नहीं आ जाता। और लेकिन वहां पर किंग जो है वो प्रोटोकॉल तोड़ दिए, और अमूमन अगर कोई प्रोटोकॉल तोड़ के आता भी है तो वो रिसीव करने के लिए नीचे खड़ा रहता है और राष्ट्रपति खुद उतर के आते हैं। लेकिन ओमान के राजा के, यानी ओमान के किंग के साथ ऐसा नहीं हुआ। हमारे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा अभी हवाई जहाज में बैठे ही थे तो ओमान के किंग सीढ़ियों से चढ़कर खुद गए और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को उनके सीट के पास से जाकर रिसीव करके उन्हें लेकर आए थे। जब ड्राइवर्स और बॉडीगार्ड ने उनको कहा गाड़ी में बैठे तो वहां के किंग ने ड्राइवर को हटाकर खुद ड्राइव किए थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के गाड़ी को, हमारे राष्ट्रपति साहब के, और उन्हें इतना इज्जत दिया गया था जो इससे पहले ओमान में किसी विदेशी गणमान्य को ऐसी इज्जत नहीं मिली थी। जब मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि आखिर शंकर दयाल शर्मा में ऐसा क्या खास है जो आपने इतने सारे प्रोटोकॉल्स तोड़ दिए, आज तक किसी राजा या किसी देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को इज्जत नहीं मिली, तो ओमान के किंग ने कहा कि जब मैं स्टूडेंट था और भारत में पढ़ाई कर रहा था तो उस समय पुणे में जब उनकी पढ़ाई चल रही थी ओमान के किंग के, तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा वहां पे उनके शिक्षक थे, वो वहां पे प्रोफेसर थे, तो उनका कहना था मैंने किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को वो इज्जत नहीं दिया बल्कि मैंने अपने गुरु को ये सम्मान दिया, उन गुरु के लिए मैंने इतने सारे प्रोटोकॉल तोड़े। इसलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। प्राचीन काल से आज तक बहुत सारे लोग भारत में आते हैं शिक्षा लेकर, बड़े बड़े पोस्ट पर पहुंचे हैं। उसके बाद से अभी तक कई सारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अलग अलग देशों के ओमान में गए, लेकिन उन्हें जो प्रोटोकॉल के तहत ही एक सम्मान मिला, वो सम्मान आज तक किसी को ओमान के किंग द्वारा नहीं मिला जो हमारे शंकर दयाल शर्मा जी को मिला था। हमारे शिक्षक हमको एक टीचर के साथ साथ एक दोस्त, एक गार्जियन की भी भूमिका में रहे। हमारा लाइफ का सपना था कि हम फौज में जाए, हमने एग्जाम भी दिए थे एनडीए वगैरह कई सारे डिफेंस के लिए, लेकिन मेरे साथ एक गड़बड़ी था कि मेरा हाथ टेढ़ा था, ये एंगल वगैरह बहुत ज्यादा मेरा हाथ टेढ़ा है, तो मेडिकली अनफिट होने की वजह से हमारा फाइनली सिलेक्शन नहीं हो सकता था। हम काफी फ्रस्ट्रेट हुए थे कि हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे टीचर ने मजाक में कहा था कि तुम एक काम करो, तुम दूसरे को पढ़ाओ, तुम्हारा हाथ टेढ़ा है तो क्या हुआ, दूसरे का करियर सीधा कर दो। टीचर्स ने हर वक्त में मोटिवेशन किया, चाहे कहीं पे भी स्कूलिंग लाइफ में कभी मार्क्स खराब आ जाना, कभी इस सब में, तो टीचर्स हमेशा सपोर्ट में किए। एक बार हमको याद है कि ग्रेजुएशन में बीएससी में थे हम, मेरे मार्क्स बहुत ही खराब थे, 49% था, इतना कम बहुत खराब होता है, ये तो एक नॉर्मल से भी लड़कों का भी इससे ज्यादा ही आता है, मार्क्स बहुत कम आए थे, हम टेंशन में हो गए थे वहां पे, तो उन्होंने कहा टेंशन क्या लेते हो, लाइफ में टॉप करो, स्कूल या एग्जाम में टॉप किए ना किए कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। इसलिए किसी भी लाइफ की एंट्री भले खराब हो लेकिन एग्जिट एकदम तगड़ा होना चाहिए। आपका बचपना भले गरीबी में बीता हो लेकिन आपके माँ बाप की बुढ़ापा कभी गरीबी में नहीं बीतनी चाहिए। और लाइफ में ठोकर लगना तो बहुत जरूरी है क्योंकि ताश में जोकर और जिंदगी में ठोकर कभी भी माहौल बदल सकते हैं। और बुरा वक्त से कभी घबराना नहीं चाहिए क्योंकि बुरा वक्त ही बताता है कि लोग क्या थे और हम क्या समझ रहे थे। लाइफ में सबके साथ चैलेंजेज आते हैं, सबके जीवन में कठिनाइयां आती हैं, कठिनाइयों का आना एक पार्ट ऑफ लाइफ है और उससे जीत कर निकल जाना एक आर्ट ऑफ लाइफ है। सबके जीवन में संघर्ष आते हैं, हम लोग के समय में भी आए थे, बहुत सारे लोग ठग के चले गए, हमको तो इतना ज्यादा ठगा गया कि हम पटना केवल इसीलिए रुके कि हमको घर जाने का पैसा नहीं छोड़ा था, इस तरह से हमको यहाँ पर नुक्स लिया था लोगों ने, लेकिन हम
धैर्य रखे, अपने टीचर से बात किए तो उन्होंने काफी मधुर भाषा में बोला कि देखो बेटा, जीवन में किसी को ठगना पाप है, ठगा जाना कभी पाप नहीं है। तो तुम्हें कोई ठग रहा है तो ये उसकी गलती है, जीवन में तुम किसी को मत ठगना, क्योंकि हम किसी भी इंसान के सीसीटीवी कैमरे से बच सकते हैं, लेकिन जो ऊपर वाले ने सीसीटीवी कैमरा लगाया है उससे कोई नहीं बच सकता। इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं ना जिनको अपने बारे में मतलब नहीं है, लेकिन दूसरे के बारे में टांग वो ज्यादा लगाएंगे। उन लोगों से कहते हैं भाई, दूसरे के ऊपर पीएचडी करने से बेहतर है खुद के ऊपर ग्रेजुएशन कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। हमको एक बार 22 मई को रिपोर्ट ऑन खान सर पूरा ट्विटर पर ट्रेंड कर दिया सर, आप लोगों ने देखा होगा, अजीब सा माहौल बना दिया उन लोगों ने। कीजिएगा, वक्त जब बिगड़ता है तो गूंगे भी बुराई करने लगते हैं, जब लोग बराबरी नहीं कर पाते तो पैरों के नीचे खुदाई करने लगते हैं, लेकिन ऐसे लोग ज्यादा देर तक टिकते नहीं है, सारे लोग खत्म हो जाते हैं। वैसे भी जब इस कंट्रोवर्सी चल रही थी मेरे ऊपर, तो सारे स्टूडेंट ने, सारे शिक्षक, अलग अलग फील्ड के कुछ डॉक्टर्स, वकील, मतलब इवन जो लोग एजुकेशन से डायरेक्ट नहीं जुड़े हैं, इनडायरेक्टली जुड़े हैं, उन लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया। आप सभी लोग का आज के दिन बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, ताकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया। टीचिंग में क्या है कि भाई देखिए, बहुत हम सब की टीचर्स की अलग अलग कोचिंग्स हो सकती हैं, अलग अलग सब्जेक्ट हो सकते हैं, बट सबका ध्येय, सबका उद्देश्य एक ही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षित किया जा सके, ताकि हर इंसान अपने फील्ड में आगे जा सके और व्यक्तिगत रूप से देश की भलाई में बहुत सारा काम कर सके। ऐसा नहीं कि किसी जगह पे सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती, हर जगह कुछ ना कुछ सुधार की गुंजाइश होती है। टीचिंग फील्ड में भी हमने एक चीज को देखा है कि मतलब टीचिंग्स में एक टीचर दूसरे टीचर, कुछ ऐसे नहीं, ऐसे 2-4% टीचिंग्स में देखे होंगे कि किसी दूसरे टीचर की बुराई करना या वो ऐसा पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी टीचर को, क्योंकि उसे इंडिविजुअल सोचना चाहिए कि इससे अगर वो किसी एक टीचर की बुराई कर रहा है तो इससे वो इंडिविजुअल नहीं रह जाता, फिर एक कैटेगरी। जब आप टीचर बोलते हैं तो एक समुदाय को वो दर्शाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी, टीचर्स में आज के वक्त में क्या है कि वही पुराना स्टाइल है कि भाई किताब खोले और पढ़ाने लगे, तो ये गलत है तरीका। टीचर्स के अंदर खुद सोचना चाहिए कि अगर वो लोग, कोई भी टीचर हो दुनिया में, कोई भी अगर खुद से किताब सामने रखेगा तो एक सामने पढ़ने वाले स्टूडेंट का मोरल गिर जाएगा कि भाई टीचर्स ने खुद ही खुद किताब खोल रखा है। हम लोग जब पढ़ते थे तो एक चीज हम लोग के मन में एक चीज जरूर घूमता था, यार सर को इतना याद कैसे रहता है, क्योंकि हम लोग के टीचर ने कभी किताब नहीं खोला। वो अलग बात है कि आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहे हैं या कुछ भरवा रहे हैं तो वो एक मजबूरी है, बट जब समझाने का वक्त हो, एक फ्लो का वक्त हो, तो उसमें नहीं रखना चाहिए, ये सही नहीं है, क्योंकि इससे स्टूडेंट्स का क्या होता है, मोरल डाउन होता है। और स्टूडेंट्स लोग को भी कहते हैं कि भाई आपको क्या है कि एक टीचर का लेवल ऊपर होता है, स्टूडेंट का नीचे। अगर टीचर इस लेवल पर पढ़ाने लगे तो स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा, और स्टूडेंट एकदम नीचे रहेगा तो उसे भी समझ में नहीं आएगा। तो टीचर्स को क्या है कि अपनी भाषा वगैरह सरल करके थोड़ा स्टैंडर्ड नीचे लाना है लेवल को, और स्टूडेंट्स को घर पे थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करके बराबर आना है, तब दोनों में अच्छे से समझ में आएगा। बट यहाँ स्टूडेंट्स को लगता है कि डर नाम का चीज नहीं है। गार्जियन को भी कहते हैं कि भाई आप अपने बच्चों को जी जान से मोहब्बत कीजिए, बट उस पर उस तरह से नजर रखिए जैसे दुश्मनों पर नजर रखते हैं, वरना वो बिगड़ेगा। समय दोबारा समय नहीं देता है किसी के पास में। लड़का को फ्रस्ट्रेट होता है तो एक बार अपना टाइम टेबल बनाएगा, सुधारेगा, भाई इतना ऐसा टाइम टेबल बनाओ जो दिल में रहता हो। और बहुत से लड़कों को देखते हैं कि सुबह 4 बजे उठते हैं, हमने अपनी लाइफ में कभी 4 बजे नहीं उठे, उठेंगे तो पूरा दिन डिस्टर्ब रहेगा। आप जिस समय कंफर्टेबल है उस समय उठिए, लेकिन हाँ एक बात जरूर याद रखिएगा, जितना जल्दी उठेंगे उतना ज्यादा आपके पास वर्क टाइम ज्यादा रहेगा। अब देर से सो के उठेंगे तो आप एक अच्छा सा वर्किंग टाइम को गंवा चुके रहेंगे। तो एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि भाई बहुत से बहुत तो 6-7 के बीच में उठी जाइए, और पहले उठते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पहले नहीं उठते हैं उनके लिए बहुत गलत बात। आप जितना पढ़ सकते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही पढ़िए। आपकी बॉडी 8 घंटा नहीं सस्टेन कर पा रही है, आप 4 घंटा ही पढ़िए, बट धीरे धीरे उसको इंक्रीज कीजिए। हर चीज के लिए होता है, आप अपनी बॉडी के हिसाब से किसी काम को करिए। आप किसी भी काम को अगर लगातार 21 दिन करते हैं तो धीरे धीरे वो आपकी आदत बन जाती है, और अगर किसी काम को लगातार 90 दिन कर देते हैं तो फिर वो आपकी दिनचर्या बन जाती है। अब आप डिसाइड कीजिए कि आप अच्छे काम को करना चाहते हैं या गलत काम को। जहां आपको कंफर्ट मिलता है वो रास्ता कभी भी कोई मंजिल को नहीं ले जाती है, क्योंकि मंजिल वाला रास्ता काफी चुनौतीपूर्ण भरा होता है, उसमें कंफर्ट कभी नहीं मिलता है। संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है, और रिकॉर्ड वो तोड़ते हैं जिनके रगों में खून नहीं बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता हो। याद रखिएगा, जिस समय आपका किस्मत साथ न दे, समझ जाइएगा कि आपकी मेहनत आपका साथ देगी। किस्मत एक लिफ्ट की तरह होती है, कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन जो मेहनत होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है। चढ़ने में तो थकान देगी, लेकिन कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, आपको अपने मंजिल तक पहुंचाएगी, और बुलंदी पर चढ़ने के बाद आपको घमंड नहीं बल्कि एक
सुकून मिलेगा कि मेहनत जरूर किए लेकिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचे। स्टूडेंट लाइफ की सबसे बड़ी खराबी किसी चीज को कल पे टाल देना। आज टीचर्स ने पढ़ाया, कल रिवाइज करेंगे, आज लिखे कल इसको सॉल्व करेंगे, कल पे कोई नहीं टालना चाहिए। जिसने ये कल किया या हमको ये करना चाहिए उनको तो असफलता फिक्स है, उसने असफलता की दहलीज पे पैर रख दिया। जिसने किया कल, दिन गया टल, जिसने कहा परसों, बीत गए बरसों, और जिसने कहा आज, उसी ने किया राज। जीवन में संस्कार का भी बहुत बड़ा मोल होता है। आप अपने विचारों से स्वतंत्र रहिए लेकिन संस्कारों से बंधे रहिए। कभी भी अहंकार मत रखिए, क्योंकि आप कितनी भी बुलंदी पर क्यों ना चले जाएं, लेकिन याद रखिएगा आसमान में बैठने की जगह नहीं होती है। जो भी बुलंदी पर जाएगा उसको एक ना एक दिन, आज नहीं तो कल, उसको वापस इस धरती पर आना है। इसलिए बुलंदी को देखकर बहुत जल्दी घमंड में नहीं आना चाहिए। और हमेशा याद रखिए, बड़े बुजुर्गों से मिलकर बैठना चाहिए, उनसे बातें करना चाहिए। बड़े नायाब होते हैं ये लोग, कुछ लम्हों में जिंदगी के तजुर्बे बता देते हैं। याद रखिएगा, समय, सम्मान और विश्वास, ये तीन ऐसी चीजें होती हैं जो एक बार अगर हाथ से चली गई तो फिर दोबारा लौट के कभी नहीं आती। जीवन में सबके प्रति दया का भाव रखना चाहिए। और सबसे बेशर्म चीज अगर कोई इस दुनिया में है तो वो गरीबी है। कमबख्त उम्र का भी ख्याल नहीं रखती है। और किसी के वक्त का मजाक मत उड़ाइएगा जनाब, ये वक्त सबके चेहरे याद रखता है। सबके प्रति दया और आदर की भावना रखिएगा। कभी जानवर मिले तो उनके लिए भी दो रोटी निकाल लीजिएगा, क्योंकि जनाब इन्हें नहीं पता है कि खाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। हम सब टीचर्स डे मनाते हैं, मदर डे, फादर डे, कई सारे डे को मनाते हैं। काश एक रोटी डे होता कि कम से कम उस दिन तो देश के गरीबों को भरपेट खाना मिल सकता था। ये जिंदगी है, इसे सीखना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक ये समझ में आती है ये आधी खत्म हो चुकी रहती है। इस जिंदगी में आप चाहेंगे कुछ, मिलेगा कुछ, बनना कुछ और रहेगा। बहुत ही ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है इस जिंदगी में। हर कदम पर हमें कुछ ठोकरें लगती हैं और हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अगर बात करेंगे इस साल की, तो टीचर ऑफ द ईयर, इस बार टीचर ऑफ द ईयर कहेंगे तो COVID-19 को कहेंगे, क्योंकि इसने बहुत अच्छे अच्छों को सिखा दिया कि वो क्या थे। चंद गज, दो गज जमीन में दफनाया गया उसे जो करोड़ों का मालिक हुआ करता था। सबको समझ में आ गया कि पैसा धरा का धरा रह जाता है, इंसान कठपुतली है। इसलिए मिल बांट कर रहिए जितनी जिंदगी है, एक दूसरे से संपर्क में रहिए, एक दूसरे के दुख में सुख में भाग लीजिए। किसी के सुख में जाइए या ना जाइए, लेकिन दुख में जरूर साथ दीजिए, क्योंकि अपने वो नहीं होते हैं जो तस्वीर में साथ हों, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में साथ देते हैं। इस बार इस कोरोना ने बहुत सारे लोगों को, अपनों को खोया। शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जहां अपनों ने नहीं, अपने किसी अपनों को नहीं गंवाया हो। तो उन सबकी आत्मा को भगवान शांति दे, उनके परिवार के लोगों को यह हिम्मत दे कि वो इस दुख की घड़ी को निपट सकें, इससे जल्दी से बाहर आ सकें। और जितने लोग हैं जो अभी कोरोना भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, वैक्सीनेशन को बहुत तेजी से करें ताकि ये जनजीवन पूरी तरह से अपनी पटरी पर आ पाए। देखिए, बहुत सारे लोगों का कहना है कि कोरोना ने उनका बिजनेस बर्बाद कर दिया, उनका आय का साधन बर्बाद कर दिया, परिवार उजाड़ दिया। हम इस बात को मानते हैं, लेकिन याद रखिएगा, जिसके पास अपने के लिए कुछ नहीं होता है उसे हराना असंभव होता है। अब याद रखिए, अब आपको जिनको ने बहुत ज्यादा संघर्ष देखा उन्हें हराना मुश्किल होता है, क्योंकि झूला अगर बहुत पीछे जाता है तो याद रखिएगा बहुत आगे का भी सफर करता है। इसलिए जिंदगी से संघर्ष से सीखना रहना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। आप सब देश के किसी भी कोने में रहे, हमेशा एक दूसरे का साथ दे, अपने गुरु का हाथ पकड़ के चले, जीवन में किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देश के सारे स्टूडेंट्स को मेरे दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं, उन्हें जल्दी से जल्दी भगवान सफल करें, और अपने माँ बाप का सपना लेकर, वो जिस सपने को लेकर वो आगे बढ़े, जल्दी से जल्दी वो सपना पूरा करें ताकि माँ बाप का भी सीना गर्व से चौड़ा हो सके। प्यारा बोला। और वही है, हर जो टीचर की जो ड्रीम्स होती हैं, जिसलिए कोई टीचर बनता है, वही है कि खुशी सबसे ज्यादा मिलती है जब वो बच्चा जो स्टूडेंट है जिसको। गाइज, आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।